सिंह की नर्मदा पैदल परिक्रमा यात्रा होशंगाबाद पहुंची। सुबह बांद्रावान से नर्मदा पूजन के बाद यात्रा रवाना हुई। दो गांवों को यात्रा पार करके होशंगाबाद पहुंची है। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया है। यात्रा में प्रसिद्ध वकील विवेक तनखा शामिल हुए हैं, रामेश्वर लिखरा है, पीसी शर्मा है और भी कई विधायक और सांसद शामिल हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि होशंगाबाद में भाजपा के पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा आज दिग्विजय सिंह का स्वागत करने बांद्रा भवन पहुंच गए। इस मुलाकात को सियासी गलियारों में बहुत ही महत्व का माना जा रहा है। आने वाले चुनावी वर्ष में ये मुलाकात क्या असर दिखाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। इस समय होशंगाबाद में दिग्विजय सिंह जी रामजी बाबा की समाधि पर पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी अमृता सिंह है, दोनों ने पूजन अर्चन करी है। यात्रा अब जगदीश मंदिर में जाकर विश्राम करेगी। शाम को महाआरती का आयोजन होना है जो सेठानी घाट पर होगा। महाआरती में दिग्विजय सिंह, उनकी पत्नी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। शनिवार को शहर में पुष्य नक्षत्र की धूम रही। ऑटोमोबाइल से लेकर सराफा और बही खाते बड़ी संख्या में लोगों द्वारा खरीदे गए। आलम यह रहा कि जहां सराफा की दुकान पर महिलाओं सहित लोगों की भीड़ जमा रही सुबह से शाम तक, वहीं शुभ मुहूर्त में ऑटोमोबाइल में चार पहिया वाहन और टू व्हीलर की बड़ी संख्या में खरीदारी की गई। वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर इंदौर के जज विवेक रशिया एवं प्राधिकरण अध्यक्ष प्रभात कुमार मिश्रा ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभाषक सहित वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। अब निजी हाथों में धोलावर का टूरिज्म। जी हाँ, रतलाम जिला पर्यटन विकास परिषद ने प्रभारी मंत्री दीपक जोशी की मौजूदगी में पर्यटन विकास का नया खाका तैयार कर लिया है। पिछले दो सालों से प्रशासन के जरिए धोलावर के जलाशय पर एडवेंचर गतिविधियां चल रही थी। अब इसे और बढ़ावा देने के लिए निजी हाथ में देने का फैसला किया गया है। प्रारंभिक तौर पर इंदौर या भोपाल की किसी फर्म को आमंत्रित किया जाएगा और इस फर्म के जरिए ही इको टूरिज्म के साथ वाटर एडवेंचर की गतिविधियाँ संबंधित क्षेत्र में होगी। इसे लेकर के जिला विकास परिषद ने एक समिति का गठन भी किया है जिसकी अध्यक्षता प्रभारी मंत्री दीपक जोशी करेंगे। त्यौहार के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अस्थायी पटाखा दुकानों का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। अपर कलेक्टर वी के पांडे ने बताया कि जिले में 341 अस्थायी दुकानों का आवंटन किया गया है। सभी दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तेज धमाका वाले पटाखा नहीं बिक्री करेंगे। साथ ही चाइनीज पटाखों को की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक ने चेतावनी दिया है कि किसी भी तरह गैर लाइसेंसी पटाखा दुकानों की सूचना मिली तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया जाएगा। जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेरो से पीड़ित 7 वर्षीय उज्जैन में अभिमन्यु 6 साल के लिए पूरा उज्जैन शहर मदद के लिए बन रहा है। दरअसल मात्र 6000 रुपए की नौकरी करने वाले संस्था के सामने 15 लाख रुपए से उसके ऑपरेशन का खर्च बहुत ही बड़ा हो रहा था। जब से पत्रिका ने सामाजिक सरोकार के तहत उसके लिए चैरिटी शो आयोजित किए, मात्र 7 दिनों के प्रयास में 5,20,000 रुपए की राशि उस बालक के इलाज के लिए गई। पूरा शहर, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं इस आयोजन में जुड़ी है। पत्रिका के आह्वान पर उज्जैन के टावर चौक पर एक ही रात में 1,13,000 रुपए का दान उस बालक के लिए जुटाया गया। अब उसके लिए दवाओं के साथ दवाओं की भी दरकार है ताकि उस बालक का जल्द ऑपरेशन हो तो वो पुनः स्वस्थ होकर हमारे बीच हो सके। रोशनी के पर्व दीपावली की खुशियाँ चारों ओर बिखरने लगी है। पूरे देश में दीपोत्सव की तैयारियां चल रही है, लेकिन हम जहाँ खड़े हैं पिछोड़ी गांव, यहाँ पे दीपोत्सव को लेकर के कोई उल्लास, कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। इस गांव में, ये नर्मदा के डूब का गांव है, यहाँ सरदार सरोवर की 136 लेवल पे डूब आ रही है। इस गांव में कई लोग ऐसे हैं जो इन्हें आज तक ना मुआवजा मिला है ना कुछ मिला है और ये आज भी वहीं बैठे हुए हैं। 131 लेवल पे पानी आने पर भी ये लोग यहीं टिके हुए थे और इनका ये कहना है कि जब तक के हमारा पुनर्वास नहीं हो जाता, जब तक के हमें घर प्लाट और मुआवजा नहीं मिल जाता, जब तक हम गांव नहीं छोड़ेंगे चाहे वो डूब में आ जाए। जब इनसे पूछा गया कि रोशनी का पर्व दीपावली है, क्या तैयारी है, कैसा क्या है,
तो इनका एक ही कहना था कि हमारा ना खेती चली गई, हमारे मच्छी मारने का अधिकार चले गया, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे लिए पर्व के क्या मायने रह गए, ना रोशनी हमारे लिए है ना उजाला हमारे लिए है, तो हम क्यों पर्व मनाएं। समाज में आज भी अंधविश्वास व्याप्त है। कुछ मुट्ठी भर लोग तंत्र मंत्र के नाम पर ग्रामीणों को गुमराह करते हैं। अमरवाड़ा के ग्राम बिनैकी में विपदा दूर करने के लिए खटिया चलाने की तैयारी कर ली गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश दी, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई से ग्रामीण नाराज हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने अमरवाड़ा थाना घेर लिया, गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग करने लगे। थाने में काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल रहा। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशन में शहर के उत्कृष्ट विद्यालय एवं ओलंपिक ग्राउंड में राज्य स्तरीय रोप स्किपिंग एवं योग की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 10 संभाग के लगभग 600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आज भोपाल के आए विनय कुमार ने 3 मिनट में 487 बार रस्सी कूद कर निर्णायकों को अपनी ओर आकर्षित किया। कॉलेज के अंदर छात्र संघ चुनाव को लेकर 2 स्कूलों हुई भिड़ंत के बाद में अब आगे पर के कुछ नेताओं के नाम आने के बाद जिला संगठन मंत्री मुख्यमंत्री ने तब जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री जोशी को उन्होंने अपनी बात रखी और इस पर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि ये षड्यंत्र पूर्वक उनके संगठन का नाम लिया जा रहा है और जबरन उन्हें फंसाया जा रहा है। जिला अस्पताल में 8 लाख रुपए की लागत से ब्लड सेपरेटर यूनिट बन रही है। यह ब्लड सेपरेटर यूनिट ब्लड यूनिट के पास बन रही है। यह यूनिट दिवाली तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद यूनिट बनने के बाद थैलेसिया सहित गंभीर मरीजों को लाभ होगा। सबसे अधिक लाभ गर्भवती माताओं को होगा जिनमें खून की कमी है। यूनिट का लाइसेंस लेने के लिए जिला अस्पताल ने मुंबई में आवेदन किया है। लाइसेंस होने के बाद यूनिट संभवतः दिवाली बाद चालू हो जाएगी। आगामी 2-3 दिनों में बाजार में भी रौनक नजर आने लगेगी। ऐसे में जहां चीन के माल का खुलकर विरोध किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि वे चीन का माल नहीं खरीदें, ऐसे में कुम्हार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनता उनके हाथ से बने हुए मिट्टी के दिए खरीदेंगे। लोगों को आकर्षित करने के लिए हरियाणा और गुजरात से भी आकर्षक रंग रूप और डिजाइन में बनवाए गए दिए यहाँ पर बड़ी संख्या में कुम्हार लेकर आए हैं और बाजार भी दियों से सजने लगा है। हालात ये है कि सड़क किनारे बैठकर कुम्हार इस उम्मीद से कि ग्राहक आएंगे और उनके हाथ से बने दिए खरीदेंगे सड़क किनारे टैगोर मार्ग पर इस तरह के कुम्हारों को दिए लेके बैठा हुआ सहज रूप से देखा जा सकता है। कीमत भी उन्होंने दियों की काफ़ी कम रखी है। उनको उम्मीद है कि जिस प्रकार से चीन के माल का विरोध हो रहा है, लोगों में जागरूकता आएगी और वह दिए खरीद कर उनका व्यापार और व्यवसाय भी बढ़ाएंगे। कृषकों को नगद भुगतान को लेकर वरिष्ठालय से आए आदेश के बाद मंडी प्रशासन ने बैंक अधिकारियों और व्यापारियों के साथ जिला कलेक्टर में शनिवार की सुबह कलेक्टर के आदेश में बैठक रखी, जहां पर निर्णय लिया गया कि अब व्यापारियों को किसानों को 50,000 तक नगद भुगतान करना होगा, जबकि इसके पूर्व व्यापारियों द्वारा किसानों को चेक और RTGS NMD के माध्यम से भुगतान किया जा। 5 दिवसीय महालक्ष्मी दिवोत्सव की शुरुआत के अंतर्गत बड़ी संख्या में लोग धन धान्य के साथ माता रानी का श्रृंगार करने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे हैं। वहां पर स्वर्ण आभूषण साथ नोटों की चट्टियां और इस मौके पर नोटबंदी का असर भी नहीं देखा जा रहा है। माता मंदिर नोटों से जगमग रहा है तो स्वर्ण आभूषण से माता का श्रृंगार किया जा रहा है। नायक PG कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन शुरू किया है। धरने पे बैठे इन छात्रों का मानना है कि यहाँ पे जो अव्यवस्था है उसे बार बार कहने के बाद भी सुधारा नहीं जा रहा है। आज ये लोग 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हुए हैं धरने पर।
इसमें खासकर छात्राओं की सुरक्षा, छात्रों के लिए कॉमन हॉल, छात्राओं के लिए शौचालय और जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पे कोई छात्रा मतलब महिला गार्ड नहीं है, उसकी व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, इसी 10 मांगे हैं जिनको लेकर के ये बैठे हुए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका त्योहारों के चलते खाद्य विभाग, औषधि विभाग, नापतोल विभाग और नगर पालिका के स्वास्थ्य अमले ने आज बहुत बड़ी कार्रवाई की है। कई दुकानों से खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए, मिठाई है, मिक्सर है, तेल है और अन्य जो खाद्य सामग्रियाँ है उनको, कई मानक सामग्री तो नहीं बिक रही है, कहीं नकली मावा तो नहीं बिक रहा है, इसी को लेकर आज ढेर सारी दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। इसके बाद इन सैंपलों को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। यदि ये मानक पाए जाते हैं तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जिला अस्पताल के आईसीयू विभाग में सुबह का आसन बना हुआ है, यहाँ भर्ती मरीजों को सुबह आए दिन शिकार बना रहे हैं। 7 अक्टूबर को भर्ती एक महिला को मंगलवार की रात एक सुबह ने कुतर लिया, इसके कारण महिला के दोनों पैर में गंभीर रूप से घाव बन गए। बताया जाता है कि महिला शुगर की पेशेंट है। इस अव्यवस्था को लेकर परिजनों ने अस्पताल व्यवस्था पर आक्रोश जताया है। दीपावली का पर्व नजदीक ही आ गया है। दीपावली पर हमारे घरों को रोशन करने वाले दिए, हम इस समय बाल मुकुंद जी के घर पर खड़े हुए हैं। बाल मुकुंद जी परंपरागत तरीके से कई पीढ़ियों से मिट्टी के दियों का निर्माण करते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। जहां बाजारों में और मॉलों में आजकल चाइनीज दियों की धूम मची हुई है, लोग चाइनीज दियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में बाल मुकुंद जी जैसे कई कलाकार मिट्टी के दिए बनाकर इको फ्रेंडली दियों का संदेश दे रहे हैं। ये इनका पारंपरिक व्यवसाय है जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तेज रफ्तार बस से कुचलकर साइकिल सवार श्रमिक की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे घंटों अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा। यह हादसा रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत रतहरा के समीप हुआ। लल्लू यादव 55 वर्ष निवासी सिंचनी थाना रायपुर का चिड़ियान प्रतिदिन की तरह मजदूरी करने के लिए साइकिल से रीवा आ रहा था। सुबह करीब 8 बजे वह जैसे ही रतहरा के समीप पहुंचा, तभी पीछे से आ रही राधा वल्लभ ट्रेवल्स की बस ने उसे कुचल दिया, जिसमें श्रमिक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर सड़क में जाम लगा दिया। इस दौरान सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जिसने भीड़ को तितर बितर कर श्रमिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। मल नदी किनारे स्थित व उद्योग के प्रदूषण से परेशान गांव परमार खेड़ी में एक बार फिर बीमारी ने पांव पसार रहे हैं। शुक्रवार को यहां पर जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंचा। अमले ने लगभग प्रत्येक घर की जांच की, जिससे 22 मरीज मिले। इनमें 5 गंभीर रोग से ग्रसित थे, जिन्हें उपचार के लिए नर्मदा अस्पताल रेफर किया गया। गौरतलब है कि इस गाँव में लोग प्रदूषण, उद्योग के प्रदूषण से परेशान है, जिसके चलते लगभग गांव की आधी आबादी बीमारी से ग्रस्त होती है। सरकार भले ही ग्रामीण विकास के लाखों वादे करती हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। बात हम रीवा जिले के ऐतला ग्राम पंचायत की कर रहे हैं, जहां पिछले 2 साल लगातार आई बाढ़ ने यहां की सड़क को पूरी तरह से बहा दिया है। ग्रामीणों द्वारा कई बार इसकी शिकायत स्थानीय स्तर और जिला प्रशासन से की गई, बावजूद यहां पर कोई मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया, जिससे ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध है। दीपावली का त्यौहार इन दिनों चरम पर है, लोगों ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। दिए जलाने की परंपरा शुरू से चली आ रही है। रामकुमार प्रजापति से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये हम 20 दिन पहले से दिए बनाने का काम शुरू कर देते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने एक संदेश लोगों को के लिए बताया है कि मिट्टी के दिए ही जलाएं, जिससे रौनक आती है। आवास हो या स्कूल, कार्यालय हो या व्यवसायिक प्रतिष्ठान, शौचालय व टॉयलेट होना हर जगह जरूरी है। स्वच्छता अभियान के तहत यह निर्देश शासन प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं, लेकिन यहाँ रीवा में एक ऐसा संभागीय कार्यालय है जहाँ के कर्मचारियों को टॉयलेट की जरूरत पड़ने पर कार्यालय के पीछे जाना पड़ता है। बात संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय की कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट के ठीक पीछे स्थित इस कार्यालय में शौचालय नहीं है,
नतीजा कर्मचारियों को परेशान होना पड़ता है। कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से इस बाबत कहा गया लेकिन नतीजा सिफर रहा। देश भर में चाइना के उत्पादों का विरोध हो रहा है और खंडवा में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चाइनीज सामान की होली जलाई। हालांकि आनंद फानक में हुआ ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और पेट्रोल छिड़कने के बाद भी छात्र संघ के पदाधिकारी चाइनीज की एक लड़ को आग नहीं लगा पाए। आखिर में उन्हें इस लड़ को नाले में बहाना पड़ा। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय किशोर अलंकरण सम्मान समारोह से खंडवा में पटकथा लेखन के लिए रूमी जाफरी और गीतकार योगेश का सम्मान किया गया। मंत्री विजय शाह की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ और किशोर नाइट में अनुराधा पोडवाल ने प्रस्तुति दी। मंत्री ने यह घोषणा की है कि अगले साल से ये आयोजन 2 दिन का होगा ताकि स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिल सके। बता दें कि रूमी जाफरी 18वें और गीतकार योगेश 19वें ऐसे कलाकार हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। दीपावली का त्यौहार नजदीक है। इस समय जहां शहर को साफ स्वच्छ और सुथरा होना चाहिए वहीं स्थिति विपरीत नजर आ रही है। जहां नगर पालिका द्वारा शहर को साफ स्वच्छ और सुंदर बनाने के विभिन्न दावे किए जा रहे हैं, जमीनी हालात उन सभी दावों को झूठा और खोखला साबित कर रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा विकास नगर 14-2 में आज नज़र आ रहा है, जहां पर पूरे विकास नगर का कचरा यहां एकत्रित कर ढेर के रूप में लगाया गया है। कचरे के इस ढेर के कारण यहां के रहवासियों को विभिन्न परेशानियों